जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणा पाठ में आगळ वधीए तो पाठ राजा का हिस्सा यह कहानी है। इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से एक राजा का व्यवहार और उसके प्रजा के प्रति उसकी प्रेम लाडली करुणा दिखाई दे रही है और उसके ही साथ उसके प्रजा का उसके राजा के प्रति आदर्श भी दिखाई दे रहा है। राजा और रानी एक दिन नगर परिक्रमा यानी कि नगर भ्रमण के लिए जा रहे, दोनों रथ में बैठे हुए, बातें करते करते रथ नगर से बाहर तक आ गया। जब वो रास्ते पे ही है तो एकाएक सहसा रानी का एक खेत में ध्यान खींचा कि एक किसान जो बहुत ही मेहनतू है वह एक हल्के साथ अपना खेत जोत रहा है जिसमें एक तरफ बैल और एक तरफ कोई स्त्री है। यह देखकर दोनों को बहुत ही ताज्जुब होता है। यह ताज्जुब होने के कारण रानी ने राजा को अपनी प्रजा के प्रति उदारता देखो कि रानी राजा को वहां पे भेजती है और पूछने के लिए कि ये किसान क्या कर रहा है। जब किसान के पास पहुंचे राजा तो वो अपनी कोई क्या है ये बताने के बजाय ऐसा पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हल में ये कौन है। तो किसान बोल रहा है मेरी पत्नी है। तो बैल के बजाय तुमने अपनी पत्नी को क्यों जोता है। तो जब वो बातें कर रहे हैं तो किसान गुस्से से बोल रहा है कि मेरा एक बैल मर गया है और मैं अपनी खेती का काम यूं ही बातों में बिगाड़ना नहीं चाहता, समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यह देखकर प्रजावत्सल राजा भोज खूब दुखी होते हैं और वो किसान की पत्नी को रास्ते पे खड़े रथ को दिखाता है और बोल रहा है कि वहां पे तुम जाओ, तब तक तुम्हारी जगह यानी कि बैल की जगह मैं तुम्हारा खेत जोतूंगा, यानी कि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो सकता। रानी के पास जब किसान की पत्नी जाती है तो रानी उसे अपनी बैल के साथ साथ दो बैल देती है कि अभी जो तुम्हारे पास जो बैल है वह भी दुबला और बहुत ही काम नहीं कर सकेगा ऐसा लगता है। इस तरह से एक बैल की जोड़ी यानी कि दो बैल देते हैं। रानी यह देखकर बहुत खुश हुई और दोनों महल में चले जाते हैं। इस तरह दोनों बैल मिलने के कारण किसान और उसकी पत्नी दोनों भी खुश है। अब खेत पूरी तरह से जुत गया है, पूरी तरह से फसल भी हो गई। जब दोनों अपनी फसल अच्छी तरह से देखकर रानी की उदारता हमें दिखाई दे रही है कि अगर रानी ने दोनों बैल नहीं दिए होते तो आज इतनी फसल अच्छी नहीं होती। किसान की पत्नी दोनों बैल को साथ में लेकर रानी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि किसान को बोलती है कि हमारे यह आदर्श राजा है उसी की वजह से यह मेहनतू है प्रजा पर फिर भी उसका दुख समझ सके ऐसे राजा है। अब फसल को देखते हुए दोनों जब बारीकाई से देखते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल होने के कारण चारों तरफ धान ही धान उत्तम प्रकार के धान दिखाई दे रहा था। लेकिन
जहां राजा ने खेत जोता था वहां पे देखे तो मोती उगे थे, और दूसरी तरफ देखा तो धान दिखाई दे रहा था। अब राजा का यह मोतियों वाला हिस्सा देखकर किसान वो सब मोती लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। वह बोल रहा है राजा को कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं रख सकता। तब राजा बोलता है कि मेहनत मेरी लेकिन खेत तो तेरा था, इसलिए ये धान के साथ मोती भी तेरे हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी जो मेहनत है उसमें मैं अकेला नहीं, पूरे राज्य का, सब प्रजा का इसमें हिस्सा होना चाहिए। ऐसा किसान बोलता है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश होता है। राजा अपनी प्रजा को इतनी उदारता से और मेहनती देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। अब किसान इस राजा के हिस्से को राजकोष में रखने की विनती करते हैं और राजा फिर मान जाते हैं, और जब वो मोती है उसे राजकोष में रखकर सब प्रजा का, गरीबों का ये हक है, ऐसा बोलकर राजा को हिस्सा देकर, किसको, राजा को हिस्सा देकर किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। इस कहानी से हमें दो चीजें समझ में आती है, पहले तो मेहनत का फल और दूसरा राजा की उदारता। राजा पहले के जमाने के राजा थे, वो अपनी प्रजा को अपनी संतान समझते थे, और उसी तरह संतान भी अपने राजा को अपना माई बाप यानी कि अपने पिता और माता का दर्जा देते थे। यही कहानी का मेन मूल है कि इसी तरह राजा का हिस्सा, यह कहानी हमें समझ में आई, बराबर है। अब ये आ पाठ तमे जो समझो गुजराती ने हिंदी में, पछी तमारे कोई पण वार्ता तमारी रीते बनावानी छे, बराबर छे। मुद्दावाळी ने पण कोई पण एक वार्ता तमारी नोंध पोथी में। चलो हवे फरी पाछा मळीशुं बाळको। जय श्री कृष्ण।